जाता जिस समय किसान आंदोलनरत था, बॉर्डर पे प्रयासरत था, गुहार लगा रहा था, एक एक एमएलए से प्रार्थना कर रहा था कि यदि कोई एमएलए हमारे बीच इस्तीफा देके आए तो जो आंदोलन है उसको मजबूती मिले। उस समय भी कांग्रेस का कोई भी नुमाइंदा इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ कि हम कुर्सी क्यों छोड़ें। ऐसे में अब इस्तीफा देना और इस इस्तीफे की वजह कुछ भी ना होना, सिर्फ ये बताना कि मैं कांग्रेस से नाराज हूं, अपनी नाराजगी के लिए, अपने धन के लिए, अपने पुत्र के लिए इस्तीफा दे दिया। एक बार भी मुझे एक भी गांव में ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि कुलदीप बिश्नोई जी गांव-गांव जाके इस बात को पूछ के आए हों, जिन्होंने इनका एमएलए बनाया क्या उनसे राय ली गई, क्या उनसे ये पूछा गया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि जनता की वोट के बिना वो एमएलए नहीं बन सकते थे। फिर वो कहते हैं कि मेरे पुत्र को एमएलए बनाना है। पुत्र को एमएलए बनाने के लिए बाप का इस्तीफा देना कितना जरूरी है। आज आपके बीच वो आए तो उनसे एक प्रश्न जरूर पूछना कि कुछ समय पहले जिस समय किसान आंदोलन था उस समय घर के अंदर से कमरे से वीडियो जारी की गई थी कि यदि कोई किसान का, कमेरे का और युवा का दुश्मन है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, वो वीडियो सारा हरियाणा प्रदेश देखता है और इस बात के लिए हंसता है कि देखो कल परसों तो ये बात कर रहे थे और आज भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी बन गई कि उसके लिए ये वोट मांग रहे हैं। ऐसे में आपको इनकी दोगली नीति को समझना पड़ेगा। यदि एक एमएलए की ही बात थी तो एमएलए तो कुलदीप बिश्नोई जी को आपने यहां से बना रखा, तो इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी। काम करने के लिए नियत होनी चाहिए और नियत उनकी थी नहीं। जो पार्टी जेजेपी पिछले चुनाव में वोट बटोर के गई, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की फोटो लगा के भारतीय जनता पार्टी के विरोध के वोट मिले थे, भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया 10 एमएलए अपने लेके गई, आज आप एक भी उसके कार्यकर्ता से अगर पूछोगे तो उनकी आत्मा रो रही है, दिल रो रहा है। एक भी बच्चे को ना नौकरी ना किसी का काम। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई जी किस दम पे एक सीट जिता के ये कह देंगे कि मैं काम करा दूंगा। काम कराने के लिए नियत होना जरूरी है। आज ये कहते हैं 26 साल से सत्ता में नहीं है। मैं कहती हूं जाओ एलनाबाद जाके देखो, 18 साल से इंडियन नेशनल लोकदल भी सत्ता में नहीं है। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला एकमात्र एमएलए हैं, लेकिन आप जाके एलनाबाद में देखो, सड़कें देखो, गांव गांव की गलियां देखो। अगर काम कराने की नियत है तो काम जरूर होते हैं, लेकिन नियत में खोट है। सिर्फ अपनी गोद बताने के चक्कर में इस्तीफा दिया गया है। जैसा कि अन्नू सूरा ने बताया कि डंडे किसान ने खाए थे, कमेरे ने खाए थे। और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, जिस समय किसान आंदोलन था ये कहते थे कि हम तो गरीबों की मदद करते हैं, आज आप जाओ नगर पालिका हिसार में, नगर निगम में जाओ, एक एक जो हमारा झाड़ू उठाने वाला कार्यकर्ता भी खून के आंसू रो रहे हैं। आज वो भी आंदोलनरत है कि हमारे पेट पे लात मार दी, हमें भी घर से बेघर कर दिया, हमारी नौकरियां भी छीन ली गई। मैं आपसे सीधा सीधा ये कहूंगी, ये वो डाकू इन पे विश्वास मत करना, ये घर में रोटी भी खाएंगे और घर में डाका भी डालने का काम करते हैं। हरियाणा प्रदेश की स्थिति इन्होंने क्या से क्या कर दी मुझे कहने की जरूरत नहीं। वही बात करते हैं कांग्रेस की,
मुझसे पहले आपने आपको ये बात तो बताई दी और आपने सबने देख भी लिया कांग्रेस के नुमाइंदे की जो भाषा है। मैंने तो अपने बूढ़ी दादी से एक ही बात सुनी कि बेटी जी पढ़ ली तो गदर से दादर जी पढ़ ली घोड़े से दादर। आज वक्त आ गया कि उस जिबड़ली को आप समझो। जो आदमी जैसी प्रवृत्ति का होगा उसके मुंह से वैसे शब्द जरूर निकल जाएंगे। जो क्षेत्रवाद फैलाने की कोशिश की, मैं कैथल भी जाती हूँ, समूचे हरियाणा प्रदेश में मैं इंडियन नेशनल लोकदल की महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए मैं जाती हूँ। मैं आपको सच बताती हूँ, कैथल में आप जाके पूछो क्लाइंट का हाल। वहां ये कहते हैं कि हमारे इतना अच्छा भाईचारा था, गुटबाजी कराने का यदि काम किसी ने किया तो वो जयप्रकाश है। हर एक जगह गुटबाजी करना, जिस तरीके से क्षेत्रवाद फैलाना इनका मकसद है, ये एकमात्र उनका मकसद है। आज आप सब लोगों से विनती प्रार्थना करूंगी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बोलना सिखाती है, ठीक उसी तरीके से आप जयप्रकाश जी को सबसे पहले बोलना सिखा देना वोट की चोट से। आपके पास मौका चल के आया है। फिर वो कहते हैं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के लिए कि हम मुख्यमंत्री बना के लाएंगे। ऐसी कौन सी चाबी है जो आज तक मुख्यमंत्री बना के आप अकेले दो इंसान मुख्यमंत्री नहीं बनाया करते। मुख्यमंत्री बनाने का काम है जनता का, जनता जनार्दन, जनार्दन नाम भगवान का है, जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। आज मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहती हूँ। हरियाणा प्रदेश की राजनीति तीन लालों के इर्द गिर्द थी, भजन लाल जी, बंसी लाल जी, आदरणीय चौधरी देवी लाल जी। आदरणीय चौधरी देवी लाल जी हरियाणा प्रदेश के जनक रहे हैं, जिन्होंने हरियाणा को अपना हक दिलाने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हर वो जन कल्याण की नीति बनाई जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे। मैं आप सब लोगों के बीच पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे बुजुर्गों ने आंदोलन किया था कि जो बुढ़ापा पेंशन बना के दी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक अपने क्षेत्र के बुजुर्ग की भावना को समझा। किसी घर में गए हुए थे, उसकी बेटी ससुराल जा रही थी और उस बुजुर्ग के पास पैसे नहीं थे। वो बेचैनी से इधर उधर घर में घूम रहे थे। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी उस वक्त उसी घर में मौजूद थे।